गोधरा शहर के पास आई हुई कुशा केमिकल कंपनी में आज सुबह भीषण आग लगते हुए भारी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था, जिसमें 20 किलोमीटर तक काला धुआं डरावना और भयानक बनते हुए 2 किलोमीटर तक के 3,000 लोगों को सुरक्षित जगह स्थलांतरित किया गया। पंचमहल जिले के गोधरा के पास नादरखा गांव के पास आई हुई कुशा केमिकल कंपनी में भीषण आग लगते हुए भारी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। कुशा केमिकल में आज सुबह 11:30 बजे के आसपास प्लांट में आग लगते हुए भारी भगदड़ मची थी, जिसमें कंपनी के तमाम कामदार और कर्मचारी बाहर दौड़े चले आते हुए तमाम का आबाद बचा हुआ था। प्लांट में स्थित केमिकल में आग लगते हुए पैदा हुए काले धुएं के कारण आग और भी विकराल, डरावनी और भयानक लगी थी। करीबन 20 किलोमीटर तक आग का धुआं आसमान में नजर आता था। आग की गंभीरता को देख आसपास के गांव लोगों को भी स्थलांतरित किया गया। जो आग दुर्घटना में 3 से 4 टन केमिकल की टंकी में भीषण आग लगी थी, जिसमें हालोल, कालोल, सहरा, गोधरा तथा वडोदरा फायर ब्रिगेड की 15 से भी अधिक फायर गाड़ियों का काफिला दौड़ाया गया था। तो वही आग के कारण पंचमहल जिला कलेक्टर और SP काफिला भी स्थल पर दौड़ा चला आया था और सुरक्षा के मद्देनजर 2 किलोमीटर विस्तार के 3,000 जितने लोगों को स्थलांतरित किया गया। तो वहीं हाईवे पर आए हुए 4 जितने पेट्रोल पंप को भी बंद करवाया गया था। हाईवे पर फैक्ट्री होने के कारण एक साइड का ट्रैफिक बंद करवाया गया, जिसमें 5 घंटे के बाद भी आग काबू में नहीं आई थी। जो आग में किसी भी प्रकार की कोई भी जानहानि की खबर नहीं है।